नमस्कार, को फिर स्वागत है आपको टुडेज के हमारे न्यूज कार्यक्रम में। और आज हम फिर से हाजिर हैं गुजरात की 20 बड़ी खबरों के साथ। बिहार के 3 युवकों की गुजरात में मौत, आ गए जहरीली गैस की चपेट में। महागठबंधन पर प्रधानमंत्री मोदी का हमला, जब ये लोकतंत्र की बात करते हैं तो देश कहता है वाह क्या बात है। गुजरात के हजीरा में पीएम मोदी ने किया टैंक्स का निरीक्षण। पहले दूध से हुए मालामाल, अब गोबर से दिखा रहे हैं कलाकारी, गुजरात सरकार कर चुकी है सम्मानित। गुजरात में डायमंड टेक्सटाइल के बाद डिफेंस सिटी बन रहा सूरत, 90 के 9 वज्र तोप बननी शुरू। गुजरात में वाइब्रेंट की वास्तविकता, प्रदेश में 6.17 लाख हैं बेरोजगार, सबसे अधिक अहमदाबाद में। मुख्यमंत्री विजय रूपानी का दावा, 2030 तक गुजरात में प्रति व्यक्ति आय 5.2 लाख हो जाएगा। जेईई मेंस परीक्षा 2019 सूरत के राघव के 99.99%, यूपी और राजस्थान के 2-2 छात्रों का स्कोर 100। वाइब्रेंट गुजरात में अफ्रीकी देशों में 18 नए दूतावास और उच्चायुक्त कार्यालय शुरू करेगा भारत, कहा सुषमा स्वराज ने। वाइब्रेंट गुजरात समिट में बोले पीएम मोदी, गुजरात पूरे भारत में सबसे अच्छी बिजनेस स्पिरिट का प्रतिनिधित्व करता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज गुजरात में अगले 10 साल में 3 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगा, कहा मुकेश अंबानी ने। राज्यसभा चुनाव, राजपूत ने अहमद पटेल के खिलाफ 43 गवाहों की सूची सौंपी। सूरत में 432 हिंदुओं ने एक साथ अपनाया बौद्ध धर्म, 5 साल पहले मांगी थी मंजूरी। LNT सेना के लिए 9 ब्रज टैंक बनाएगी, चारों तरफ के दुश्मन होंगे ढेर। गुजरात के राजकोट में मजाक में पति ने कहा मरना आसान नहीं, पत्नी ने खुद को आग लगा लिया। पंचायत चुनाव में कत्लेआम करने वाले लोकतंत्र बचाने का भाषण दे रहे हैं, वह क्या सीन है, कहा पीएम मोदी ने गठबंधन के ऊपर तंज कसते हुए। विपक्षी दलों पर प्रधानमंत्री का तंज, बोले मोदी को गाली देना ही उनकी दुनिया, मेरे लिए देश। विपक्षी रैली पर बोले मोदी, कोलकाता से आ रही है बचाओ 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 की आवाज। गुजरात स्प्रिंट टू 2022 आम व्यक्ति को स्पर्श करने का विषय, कहा रूपानी ने। पीएम मोदी ने सूरत में होजी विद्सर तोप की सवारी की, देश को किया समर्पित। इसी गुजरात से जुड़ी कुछ अहम खबरें, हम कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहे हमारा न्यूज़ चैनल, और अगर आप हम यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।